अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस स्टूडियो टूडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसके अंदर ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में ये पेपर uh, टू होता है और उसमें आज हम यूनिट नंबर वन जो है उसको डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर वन इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है जब हम टोपोग्राफी uh, की बात करते हैं तो इसमें हमें ये जानना चाहिए uh, ज़रूरी चीज़ जो है उसमें वो ये है कि टोपोग्राफी बेसिकली इज़ द फीचर ऑफ़ लैंड जो सरफेस ऑफ लैंड है उसके बारे में उसकी जो फीचर्स होंगे उसको डिस्कस किया जाता है ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं सो so, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू सिक्स टपोग्रफिकल एरियाज वो कौन कौन से हैं उसी के ऊपर आपका यूनिट नंबर वन जो है वो बेस करता है नंबर वन इज़ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस नंबर टू इज़ वेस्टर्न माउंटेंस नंबर थ्री बलोचिस्तान प्लेट्यू नंबर फोर फोटोआर प्लेट्यू एंड सॉल्ट रेंज नंबर फाइव पे जो आपके पास है वो है इंडस प्लेन्स हैं एंड नंबर सिक्स इज डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान सो ये ऑल जितनी भी आ, फिजिकल एरियाज हैं यही आपका यूनिट नंबर वन है अब इसके अंदर एक ट्रिक है जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि हमने किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है एग्जामिनर आपसे इन सारी चीज़ों में से ऑनली फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है वो कौन कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पे पर नजर आ रहे हैं उसमें नंबर वन आपने जो तैयार करना है फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आपके लिए तैयार करनी है रिलीफ फीचर्स यानी उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो माउंटेन्स के हो सकते हैं प्लेट्यूज हो सकते हैं उसके अंदर प्लेन्स हो सकते हैं या डेजर्ट्स हो सकते हैं देन आपके पास नंबर टू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ऑल दीज एरियाज़ नंबर सी या थ्री पार्ट जो हो सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो है यहाँ का लाइफ स्टाइल इकोनमी इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है यहाँ का नंबर फोर एंड लास्ट पार्ट जो है वो मेजर चैलेंजेस जो हैं ये पूछ सकता है वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं वहाँ के लोग जो है वो किन चीज़ों को जो है फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ आपने तैयार करनी है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट टू पार्ट जो है यानी माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो है उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी एपिसोड नंबर टू होगा वो आपका टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उसके अंदर हम बात करेंगे डेजर्ट्स और प्लेन्स के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके माउंटेंस की माउंटेंस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेंस हैं थ्री टाइप्स ऑफ रेंजेज हैं जब जो सबसे पहली है और दूसरी इसको कंबाइन करके हम तैयार करेंगे वो है नॉर्दर्न माउंटेंस एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस इनके अंदर अब आपने तैयारी कैसे करनी है कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत है आपको ओनली थ्री या सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसको एग्जामिनर uh, अटच कर सकता है ज़्यादा चांसेस जो है वो थ्री मार्क्स के अंदर होते हैं और उसमें वो आपसे ये पूछता है डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर्स ऑफ माउंटेंस और उसमें वो नॉर्दर्न माउंटेंस कह सकता है वेस्टर्न माउंटेन्स कह सकता है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स कह सकता है तो हम वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न को कंबाइन कर रहे हैं बिकॉज इनके फीचर्स सेम है सो so, uh, क्या करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज़ वहाँ की एवरेज हाइट कितनी होती है वहाँ की लोकेशन क्या है ये ये चीज़ें आपने बतानी है तो ये आपका लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो ये सारे का सारा जो है आपके नॉर्थ साइड पे जो है ये यानी आपका गिलगित बल्तिस्तान वगैरह इलाका कश्मीर के टॉप का इलाका ये सारा एरिया लोकेशन यही बनती है और इसके अंदर जो इसकी हाइट की हम बात करें तो एक्चुअली इसकी जो हाइट है वो एस एवरेज हाइट की हम बात करें तो सिक्स टू तो एट मीटर जो है ये यहाँ की एवरेज हाइट है और इसमें हाइस पॉइंट जो है वो के है गॉडवन नास्टन इसका रियल नेम है एट सिक्स डबल वन मीटर हाइट है इसकी ये सेकंड हाईएस्ट आपको पता है प्लेस भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आफ्टर द माउंट एवरेस्ट उसके बाद ये केट आता है सो so ये चीज़ें जो है ये आपके पास ये दो चीज़ें हो गई देन उस पर नंबर थर्ड जो है वो आपने बताना है कि वैलीज़ यहाँ की खूबसूरत वैलीज़ जो हैं उनमें नारान वैली है कागान वैली है हंजा वैली है गिलगित बल्तिस्तान खुद वैलीज़ हैं सो so तीन वैलीज़ जो हैं ये आपको याद करनी होती है दैन वहाँ के पासेज कौन कौन से पासेज़ हैं यानी यहाँ से क्रॉस करके दूसरे रीजन में आप एंटर हो सकते हैं तो यहाँ की जो मशहूर पास है सबसे फेमस पास जो है वो है खुजराब पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना नॉर्थ वाली साइड पे है सिल्क रोड रोड के थ्रू अब सिल्क रोड का नाम चेंज होकर क्रॉक्रूम हाईवे बन चुका है सो so ये चीज़ें जो हैं ये आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है देन हम जब बात करेंगे कि यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं और यहाँ पे जो मशहूर ग्लेशियर है उसमें सियाचन है बलतोरो है तो ये इसके ग्लेशियर्स हैं यहाँ की स्नो कैप वैलीज हैं सारी की सारी यानी जो टॉप साइड है इसके ऊपर वो आ, स्नो कैप्ड होती है बर्फ़ से भरे हुए होते हैं ये सारे एरियाज़ तो ये बातें जो हैं ये सारी की सारी आपने याद करनी है ये सिर्फ आपको चार या पाँच पॉइंट्स जो हैं वो याद करने होते हैं ये स्क्रीन पर आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं सो इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो ड्रेनेज है ड्रेनेज का एक फार्मूला याद रखना है आपने सबसे पहले आपने बताना होता है कि ड्रेनेज क्या आर्टिफिशियल है या नेचुरल है तो माउंटेंस के अंदर हमारे पास जो सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सारे का सारा नेचुरल सिस्टम होता है ड्रेनेज बेसिकली वाटर का फ्लो है पानी किस तरह यहाँ से आता है और कहाँ कैसे जाता है तो ड्रेनेज की बात जो है वो इस तरह से होगी कि यहाँ का सोर्स ऑफ वाटर जो है वो टू थिंग्स हो सकती हैं नंबर वन स्नोफॉल हो सकती है नंबर टू रेनफॉल हो सकती है तो जब ये स्नोफॉल और रेनफॉल होता है तो यहाँ पानी अवेलेबिलिटी होती है पानी की अवेलेबिलिटी होती है और पानी जो है ये जाता है सीधा रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर कौन से हैं जो ड्रेनेज सिस्टम को आगे लेके चलते हैं जो जहाँ से ड्रेनेज होती है इंपॉर्टेंट सिस्टम यहाँ का आपने बताना है कि ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस सिस्टम जो आपका है वो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से रिवर्स आ सकते हैं नंबर वन आपने कहना है इंडस खुद है देन उसके बाद आपके पास है इंडस पे चनाब है देन जेलम है रावी का नाम लिख सकते हैं सतलज का नाम लिख सकते हैं तो इसमें आपने कोई से तीन रिवर्स जो हैं ये ज़रूर बताने हैं ये ही आपका ड्रेनेज सिस्टम है थ्री मार्क्स का पूछ सकता है या सम टाइम कंबाइन करके ये सिक्स मार्क्स का पूछ सकता है विद रिलीफ फीचर्स सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में उसने आपसे पूछना है इकोनॉमी ऑफ uh, जो जो एरिया पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात कर, कर रहे हैं तो वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स तो इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है मेजर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जो है वो है यहाँ सीन ब्यूटी यहाँ टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डिवेलप हुई हुई है देन उसके बाद जो अगला सोर्स ऑफ इनकम यहाँ के लोगों का है वो है कॉटेज इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री में बात करें तो ये जो आपके रग्स हैं ये लोग ज़्यादातर रग बनाते हैं कारपेट्स मेकिंग यहाँ पर बहुत कॉमन है एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है सो so ये चीज़ें हैं थोड़ी सी फ्रूट फार्मिंग भी होती है यहाँ पर किस एरिया में बहुत ज़्यादा है कुछ एरिया में थोड़ी सी कम होती है लेकिन सीजनल होती है ये याद रखना है आपने आ, उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ फार्मिंग भी है और कैटल फार्मिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है वो वो लोग जो है ये काम भी करते हैं तो ये यह यहाँ का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एक चीज़ और ऐड करके ये भी आपने कम्प्लीट कर देना है और वो है यहाँ के मिनरल्स तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यह यहाँ का इकोनॉमिक पोटेंशल है देन उसके बाद आपने डी कैटेगरी जो है उस पर हम बात करेंगे वो है चैलेंजेस मेजर चैलेंजेस या प्रॉब्लम जो यहाँ के लोग जो फेस कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं तो मेजर चैलेंजेस जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्लाइमेट का चैलेंज है दैन तो उसके बाद नंबर टू पे अगर हम बात करें तो वो वहाँ का वहाँ का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है नंबर थ्री अगर हम बात करें चैलेंज में तो अनपेव्ड रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है वहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ के अंदर पावर शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट कोई नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस उस तरह उसमें मतलब प्रॉपर वहाँ पे फंड जो हैं वो लगाए जाएँ और वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने माउंटेंस की डिस्कस की हैं सेम इसी तरह से हमने यही कैटेगरी बनानी है और वेस्टर्न माउंटेंस जो हैं उनके ऊपर जो है ये अप्लाई करना है तो वेस्टर्न माउंटेंस में स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है रिलीफ फ़ीचर्स जो हैं वो क्या हैं किस तरह से रिलीफ फ़ीचर्स आपने तैयार करने हैं सबसे पहली चीज़ रिलीफ फीचर में वही एवरेज हाइट यहाँ की हाइट जो है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देन उसके बाद यहाँ की वैलीज़ इसकी अगर हम वैलीज़ की बात करें तो कोहाट वैली है देन बन्नू बहुत बड़ी वैली यहाँ की पिशावर खुद एक बहुत बड़ी वैली है यहाँ की उसके अलावा यहाँ के जो पासेज़ हैं मशहूर पास में खैबर पास जो है वो बहुत बड़ा यहाँ का मशहूर पास है टोची पास है गोमल पास है ये यह यहाँ के पासज़ हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे आपने इसमें रिलीफ फीचर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है बी पार्ट यानी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी जो है ये टोटली तौर पर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है अगेन वही पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि रिवर्स के नेम याद होने चाहिए अब यहाँ पे चूँकि वेस्टर्न माउंटेन्स हैं तो जब हम वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सारे का सारा वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस सिस्टम आ जाता है तो उसमें काबुल रिवर है जोब रिवर है आपका ठीक है अब तो ये इस तरह के रिवर जो हैं और बाकी रिवर्स के नाम आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये यहाँ के फेमस रिवर्स जो हैं वो है जहाँ से पानी जो है वो फ्लो करता है और इंडस सिस्टम के अंदर वो एंटर होता है सी पार्ट जो है उसमें आपसे वो पूछ सकता है इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ के लोगों की इकोनॉमी कैसी है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने होते हैं सेम उसी तरह से टूरिज्म है सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे लोग जो है एम्ब्रॉयडरी करते हैं कॉटेज uh, इंडस्ट्री उसी तरह कारपेट मेकिंग ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की सबसे ख़ास बात जो है वो यहाँ के मिनरल्स हैं ये एरिया रिच ऑफ मिनरल्स हैं ठीक है अच्छा ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके इकनॉमिक पोटेंशियल के अंदर दैन डी कैटेगरी में डी uh, पार्ट में वो आपसे चैलेंज पूछ सकता है तो चैलेंज हमेशा सेम आपने याद करना है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो भी एरियाज़ हैं वहाँ के चैलेंजेस जो हैं वो एक ही तरह के हैं लाइक वहाँ पे हर जगह पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है हर तरह हर जगह जो है वो पावर शॉर्टेज वो हम फेस कर रहे हैं अनपेव रोड ऑलमोस्ट कॉमन है हर जगह ऐसा सिचुएशन है पोअर हेल्थ फैसिलिटीज़ पोअर एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट की प्रयोरिटीज़ सो so ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके डी uh, पार्ट के अंदर आएंगे तो ये चीज़ जो है ये आपके माउंटेंस के हवाले से कवर हो गई दैन uh, अब आपके पास नंबर सेकेंड फीचर जो है वो आते हैं प्लेट्यूज पाकिस्तान के अंदर जो प्लेट्यूज हैं तो ये दो तरह के डिवाइड हुए हुए हैं नंबर वन आपके पास है बलोचिस्तान प्लेट्यू बलोचिस्तान आपको पहली बात ये याद रखना है आपने कि फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ होल पाकिस्तान इज़ बलोचिस्तान यानी एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट प्रोवेंस है तो यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं यहाँ ये एक बात स्टूडेंट्स के लिए और भी जानना ज़रूरी है कि वट इज़ द मेजर डिफ्रेंस बिटवीन माउंटेंस एंड प्लेट्यूज तो माउंटेन्स जो होते हैं ये बेटा कौन शेप के होते हैं और ये आपने इसमें देखना है कि कौन शेप ने आप अल्टीमेटली एक बात जो हमारे अंडरस्टोर है कि वो टॉप जो इसका होगा जो टॉप हिल होती है वहाँ पे सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती आ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाट्यूज़ तो प्लेट्यूज़ तो का जो सरफेस होता है इसकी जो टॉप साइड होती है वहाँ पर वो टेबल की शेप होती है वहाँ सेटलमेंट पॉसिबल है वहाँ आप अपनी सेटलमेंट जो है वो आ, कर सकते हैं और ये रिच ऑफ मिनरल्स होते हैं ये जो प्लेट्यूज होते हैं और दूसरी बात जो आ, अब हम जिसकी हम बात कर रहे थे बलोचिस्तान प्लेटियो की तो बलोचिस्तान प्लेटियो के अंदर उसकी जब रिलीफ फीचर की बात करेंगे तो टू पॉइंट्स जो रिलीफ फीचर्स के होंगे वो यहाँ के बेसन होंगे ये बेसन सेम वो उसी तरह से कॉन्सेप्ट जैसे हमारे घरों में बेसन लगे हुए होते हैं ये बेसन का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जब जब यहां पे इन एरियाज में चूंकि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर नहीं है पानी कहीं दूसरी साइड पे जा नहीं सकता तो वो पानी एक बेसन की शेप में जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है सो so ये इस वजह से यहाँ की जो सबसे बड़ी फीचर है वो यहाँ के बेसन हैं तो यहाँ के बेसन टू टाइप के हैं एक जो बेसन हैं वो सारे के सारे आपके वेस्टर्न साइड के हैं एक बेसन जो है वो नॉर्दर्न साइड के हैं इनकी कंप्लीट डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या आपने इसी तरह से तीन तीन पॉइंट्स के अंदर याद करनी है देन आपके पास अगला रिलीफ फीचर नंबर थ्री जो है वो ये है कि यहाँ इस एरिया के अंदर जो है ये कोस्टल एरिया जो है ये बहुत है कोस्टल एरिया यहाँ का आ, बहुत ही खूबसूरत कोस्टल एरिया एक और बात भी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तान की जो टोटल कोस्ट है वो वन किलोमीटर है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है कुछ पार्ट 30 परसेंट जो है ये आपका सिंध के अंदर आता है एंड देन 70 परसेंट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर आता है तो ये ये पार्ट भी आपने इसमें लिखना है कि इसमें इसकी जो फीचर की जब हम बात करें तो उसकी फीचर में बेसिक फीचर जो है वो यहाँ की कोस्ट है और थर्ड पे अगर हम फोर्थ पे बात करें फोर्थ जो इसकी बेसिक रिलीफ फ़ीचर है वो बनती है यहाँ की माउंटेन रेंजेज हैं टोबा काकड़ के एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है बाकी जो उसकी रिलीफ फ़ीचर्स हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सारी फीचर्स जो है इस तरह से आपने इसको तैयार करना है बलूचिस्तान प्लेटियो के परस्पेक्टिव से सो so, बलूचिस्तान प्लेटियो में ये आपका फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जिसमें वो आपसे पूछेगा रिलीफ फीचर्स बी पार्ट के अंदर वो यही पूछ सकता है आपका कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बेसन की शेप के अंदर होता है सिस्टम है वो है सी कैटेगरी में जो है वो आपसे पूछ जा सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा इकोनॉमिक पोटेंशियल यहाँ का क्या है तो यहाँ की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी जिसको हम देंगे वो यहाँ की है मिनरल्स हैं मिनरल्स में ये एरिया जो है वो रिच इन मिनरल्स है सेंडिक प्रोजेक्ट आपने नाम सुना होगा ये पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक एरिया है बलोचिस्तान के अंदर जहाँ पे कॉपर है गोल्ड है सिल्वर है सो so ये इस पर बहुत समझ लें इसमें इकनॉमिक पोटेंशल है दैन यहाँ के फ्रूट फार्मिंग बहुत है चूँकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है सो uh, so ये यह यहाँ की इकोनॉमी है देन उसके बाद यहाँ पे कैटल uh, ब्रीडिंग जो है वो भी कुछ पार्ट्स में होती हैं अच्छा कुछ फ्रूट फार्मिंग जो है वो क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे वो भी होते हैं और फ्रूट तो यहाँ के बहुत ही फेमस हैं दैन उसके बाद यहाँ के अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस आलमोस्ट सेम ही हैं वही सिक्योरिटी प्रॉब्लम अनपेवड रोड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है सो so ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास डी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी देन हमारे पास आज के इस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो है पोटोआरप्लेट्यो एंड सॉल्ट रेंज इसकी अगर हम रिलीफ फीचर की बात करें तो रिलीफ फीचर में सबसे पहली बात कि यहाँ के अंदर जो इस ये पूरा एरिया है इसमें रिजेज होते हैं या रेजिडुअल हिल्स होते हैं ये वो पार्ट होते हैं जिन पे जब वेदरिंग इफेक्ट हो रहा होता है तो जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो तो इराइड हो जाते हैं लेकिन जो थोड़े बदमाश किस्म के रॉक्स हैं जो हैवी रॉक्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो रेजिडल हिल्स बना लेते हैं तो उनको ये भी एक फ़ीचर में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी एक फ़ीचर है रिलीफ फीचर के यहाँ के रेजिडल हिल्स होते हैं देन यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है वो स्मॉल रिवर्स या उनको रिवाइंस बोला जाता है वो होते हैं दैन उसके बाद यहाँ पर डाइसेक्टेड लैंड है तो, और उसके अलावा जो है यहाँ पे डीप रिवाइंस हैं तो ये सारी जो बेसिक फ़ीचर्स हैं फोटो और के ये भी आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं या आपने सेम इसी तरह से याद करने हैं उसके अलावा बी पार्ट इसका जहाँ यानी मेन मीन के इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम में आपने एक बात बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जो होता है प्लेट्यू के अंदर तो वो ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ़ एक ही रिवर है वो रिवर जो है वो सोन रिवर के नाम से फेमस है ये पूरा एरिया पूरी एक वैली है जो सोन वैली के नाम से आ, फेमस है तो रिवर सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही है बाकी उसके साथ लेक्स हैं वो लेक में कलर का हार आता है उसके अलावा जो है वहाँ की उछाली एक बहुत बड़ी लेक है आ, उसके अलावा जो है छोटी छोटी जो है वो बाकी वहाँ पर लेक्स हैं तो ये भी आप स्क्रीन पेन इनके नेम्स जो हैं वो देख सकते हैं आ, ये यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ की इकोनमी की बात करें या इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है ये सॉल्ट रेंज खुद एक बहुत बड़ा एरिया यानी यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अलावा यहाँ पे सीमेंट uh, की एक फैक्ट्री uh, लगाई गई है वो भी एक यहाँ का एक इकोनॉमिक पोटेंशियल है दैन यहाँ कुछ कॉटेज uh, इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिवेलप हुई हुई हैं और uh, ये सारी uh, बातें जो हैं ये यह आपने यहाँ की इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से देखनी है डी पार्ट के अंदर यानी चैलेंजेस चैलेंजेस ऑलमोस्ट हर एक के जो है वो सेम ही है तो वो आपने उसी तरह से तैयार करने हैं सो so ये आज का लेसन जो है ये इसके अंदर हमने माउंटेन्स और प्लेटिस को डिस्कस किया है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टू पार्ट्स हैं इस यूनिट के जिसके अंदर आपने बात करनी है डेजर्ट की और हमारा जो इंडस प्लेन है उसकी बात करनी है तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइम पर मिलती रहे तब तक के लिए